कैसा लगे जब आप किसी अनजान से मिलें, अपने मेट्रो में, लोकल ट्रेन में, या भीड़ में, बाजार में, किसी अनजान से या अपने पुराने दोस्त से मिलें और आपकी कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग हो एक बहुत ही जेन्युइन स्माइल से। यस, आज हम बात करने वाले हैं उसी कॉन्सेप्ट की, द पावर ऑफ स्माइल। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी बुक शेल्फ, जहां पर आपको मिलती हैं ढेर सारी फेमस सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, बायोग्राफीज की, मेरी आसान भाषा में। उन कॉन्सेप्ट्स को मैं सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में ऐड करके वैल्यू एडिशन दे पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डेल कार्नेगी ने बात करी है पावर ऑफ स्माइल की, जो कि एक बहुत ही फेमस बुक से लिया गया है जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो डेल कार्नेगी भाई साहब कहते हैं कि एक बार व्हाइट हाउस में, यूएस में, बहुत ही अमीर लोगों की मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर फेमस बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, नेता, अभिनेता, सभी टाइप के लोग थे। वहाँ पर एक बहुत ही रिच लेडी की, एक वूमेन की, अमीर औरत की एंट्री होती है उस पार्टी में, और लेखक की उन पर नज़र जाती है। उनके हाथों में डायमंड्स की रिंग होती है, एक्सपेंसिव क्लोथ्स वो पहनी होती हैं, गैजेट्स होते हैं, हाथ में आईफोन होता है, और बाहों में बाहें डाले होते हैं एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन की। पर एक चीज़ मिसिंग होती है वहाँ पर, वो होती है उस औरत के चेहरे पर मुस्कान। उस औरत के चेहरे पर होता है अटूट घमंड, एक रूखापन, किसी से बात ना करने का एक अलग एटीट्यूड। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं, डेल कार्नेगी जी, कि पावर ऑफ जो स्माइल है ना, वो एक अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स में। स्माइल जो है बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट है, गॉड का दिया हुआ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, कार, कपड़े, गैजेट, हीरे जवाहरात कुछ काम नहीं आएंगे जब आप किसी से मीठे दो बोल नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया डॉग का। डॉग का एग्जांपल क्यों दिया? डॉग एक ऐसा एनिमल होता है, चाहे वो पालतू हो या सड़क छाप कुत्ता हो, आपने हमेशा देखा होगा डॉग ना तो मुर्गी की तरह अंडे देता है, ना ही तो भेड़ की तरह ऊन देता है, और ना ही गाय की तरह दूध देता है। उसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तब भी लोग उसे पालते हैं। जानते हैं क्यों? उसकी ऑनेस्टी और शीयर जॉय की वजह से। उसका जो स्माइल का फॉर्म है ना, वो उसके जॉय के फॉर्म में, जंपिंग के फॉर्म में निकल के आता है। वो जब अपने मालिक से मिलता है, या आप उसे दो बिस्कुट दे देंगे डेली दो दिन सड़क पर, तो वो जब आप लौट के आएंगे ऑफिस में, तो आप देखेंगे तो वो जॉय से मिलता है, फुल ऑनेस्टी के साथ। तो वैसे ही आपको लोगों से मिलना चाहिए, अपने पुराने दोस्त, नए दोस्त, प्रोफेशनल कोलीग्स, स्कूल में टीचर, स्टूडेंट्स, हर किसी से आपको इसी तरीके से मिलना चाहिए। और बेबी स्माइल का यहाँ पे बहुत उन्होंने एक इफेक्ट बताया है कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस है एक डॉक्टर का, एक वेटरनरी डॉक्टर थे, जानवरों के डॉक्टर, उनका नाम है डॉक्टर स्टीफन। वो अपनी क्लिनिक के वेटिंग, उनका जो क्लिनिक है वो बहुत छोटे साइज का है, उन्होंने अपने क्लिनिक का एक एक्सपीरियंस बताया जो उन्होंने सीसीटीवी में देखा, और उस सीसीटीवी में आवाज़ भी रिकॉर्ड होती थी। तो उन्होंने जब एक रोज़ बैठ के अपने सीसीटीवी का फुटेज देखा, तो देखा कि सभी अपने अपने पालतू जानवरों को लेकर उनके पास आ रखे थे। जब आप पालतू जानवरों को लेकर जाएंगे, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, तो आपका मूड सही नहीं रहेगा। पर जब एक लेडी अपने डॉग के साथ गई, और लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा बेबी भी था उनका खुद का, बहुत खूबसूरत बच्चा, और एक इंसान अपनी बिल्ली को लेकर आया, आदमी, और उसकी बिल्ली को जो है ब्लड की वॉमिटिंग हो रही थी, वो इंसान जब वहाँ बैठा, तो उस लेडी के हाथ में जो बेबी था, बच्चा, उसने एक डिवाइन स्माइल पास करी उस आदमी को। उस आदमी से रहा नहीं गया, उसने उस बेबी को प्यार से टच किया, और उस लेडी से उसकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई कि वो कहाँ रहती है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके सारी हिस्ट्री जानी, और ऐसे करते करते एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो जो 7-8 लोग उस वेटिंग हॉल में बैठे थे, एक अलग ही ग्रुप डिस्कशन टाइप का छिड़ गया, घर जैसा माहौल हो गया एक। तो यहाँ पर डॉक्टर ने जो सीसीटीवी फुटेज में, जब लेखक से डेल कार्नेगी के वो दोस्त थे, जब उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि कैसे एक बेबी का स्माइल, जो अनजान है, जिसको कुछ चाहिए नहीं किसी से, उसकी स्माइल से इतना माहौल चेंज हो सकता है। तो हम तो बहुत ही समझदार प्राणी हैं, बड़े लोग हो चुके हैं, दिमाग है हमारे पास, माइंड है,
तो जब हम किसी से बात कर सकते हैं तो स्माइल के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट जो हैं जेम्स वी मैकनॉल, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, ही इज़ ऑल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ ऑथर ऑफ द हाउ टू विन फ्रेंड्स डेल कार्नेगी। वो बताते हैं एक सर्वे किया गया, उस सर्वे का जो एवरेज निकला उसमें उन्होंने जाना कि पीपल हु स्माइल टेंड टू मैनेज सेल टीच मोर इफेक्टिवली एंड रेज हैप्पियर चिल्ड्रन। बोले तो जो लोग स्माइल करके बात करते हैं, स्माइल करके लोगों से मिलते हैं, वो ज़्यादा अच्छे मैनेजर होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे टीचर होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा सामान बेच सकते हैं, उनके अंदर वो काबिलियत होती है, वो बड़ी बड़ी डील्स को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है, ताकि ना जाके आप किसी से मिलें या आपका कोई ग्राहक आए आप उससे रूट कर मिलें तो कोई आपकी दुकान पर आना पसंद नहीं करेगा। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हैं आप किसके पास जाना पसंद करते हैं। दो परचूनी की दुकान है या दो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुकान है, एक आपसे रूड होके बात करता हो, एक आपसे जब भी आप जाते हैं चाहे आप उसे सामान लें या ना लें आपको वो मुस्कुरा कर सामान दिखाते हैं, तो किससे सामान लेना पसंद करेंगे आप? ऑब्वियस ही बात है सेकंड वाले से। यहाँ पर लेखक ने डेल कार्नेगी ने लास्ट में बताया है कि एनकरेजमेंट इज मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट। यस, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो कोलीग्स का हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो या आपके घर में हो, आपके छोटे बच्चे हो, अगर आपका बच्चा कुछ अच्छा काम करता है और आप उसको एनकरेज करते हैं तो वो एक 10x 10 गुना इफेक्ट देगा उसके बदले में। या आपका बच्चा कोई बदमाशी करता है, कोई गलती करता है और उसको आप पनिशमेंट देते हैं तो उस पनिशमेंट से उसका ज़्यादा इफेक्टिव नहीं पड़ेगा, नेगेटिव तो वो जाएगा, लेकिन अगर आपने उसे किसी चीज़ में एनकरेज कर दिया, आपके बच्चे ने अच्छी ड्राइंग बनाई या क्लास में सेकंड आया, फर्स्ट नहीं आया, और लेकिन आपने उसको पूरा एनकरेज करा कि बेटा आप अपने बहुत अच्छा बेस्ट दिया है अपना, तो एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग उसके अंदर आएगी, नेक्स्ट टाइम वो एनकरेज होगा, मोटिवेट होगा। यस, तो यहाँ पे सम अप करते हैं चीज़ों को कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम ऑल्सो अ सेल्स मैन, द थिंग इज़ दैट कि ये एक गॉड की दी हुई फ्री गैजेट है हमारे पास, हम इसको गैजेट कह सकते हैं, हमारी बॉडी में ये दिया गया है, हमारे लिप्स और टीथ के फॉर्म में, कि हम किसी से मिलें और हार्ट दिल खोल कर हंसकर बात करिए यार, आओ दो दिन की ज़िंदगी है, जब आप किसी से बात करिए तो दिल खोल के बात करिए, आप देखेंगे तो आपके जब नए दोस्त बनेंगे और जो भी पुराने दोस्त होंगे वो भी आपका नाम लेंगे यार, जब वो मिलता है ना, मतलब दिल से मिलता है तो। और फेक स्माइल जो कहा गया है, फेक ग्रिन, उससे बचिए आप। अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आपका मूड ऑफ है, तो आप मत मिलिए, किसी से बात मत करिए, लेकिन फेक एक झूठा चेहरा भैरूपिया होकर किसी से मत मिलिए। तो पावर ऑफ स्माइल ये बहुत ही इम्पैक्टफुल टूल है, इसका इस्तेमाल करिए। कम्युनिकेशन स्किल में ये number 2 and number 3 पर आता है, तो एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, इसको भी आप पढ़िए। और बाकी इस किताब के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एक छोटे छोटे 7-8 मिनट के वीडियोस में मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, मेरे को सपोर्ट करिए, मैं एक नॉलेज के थ्रू सब लोगों के साथ ग्रो होना चाहता हूँ, आप लोगों को भी वैल्यू एडिशन दे के ग्रो करना चाहता हूँ। मेरे चैनल को ग्रो सब्सक्राइब कर दीजिए और ये लाल बटन जो भी हैं, बेल आइकन वगैरह आप दबा दीजिए, जो भी है शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कम्युनिकेशन स्किल में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी किताब को पॉइंट बाय पॉइंट, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे वीडियोज में विदाउट गेटिंग बोर, आपको बोर ना करते हुए ऐसे ही चीज़ें लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपने अभी तक मेरे चैनल पर बने हैं, सुना मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।